हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिमेश और आप सभी लोगों का यूनिक गैजेट सीरीज के एपिसोड 4 पे स्वागत करता हूं। आज और एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट का वीडियो लेकर के आ चुका हूं। ये यूनिक गैजेट मुझे ऑनलाइन देखने को मिला। इसके अंदर है गाइस एक 7-in-1 RGB बल्ब। मुझे ना डेकोरेशन पर्पस के लिए अपने ये साइड आपको जो लैंप देखने को मिल रहा है ना, इसके लिए एक RGB बल्ब लेना था। अभी रिसेंटली आपने एपिसोड 3 पे RGB ब्रिक लाइट का वीडियो देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है ना तो लिंक आपको नीचे डाल दूंगा, जाकर के लास्ट वीडियो उसको चेकआउट कर लेना। अब कोइंसिडेंटली बोलो या कुछ भी बोल सकते हो गाइस, इस सीरीज पे ना अभी तक मैंने जो आपको 4 वीडियोस इसको मिला करके दे रहा हूं ना, ये चारों वीडियोस ना अलग-अलग टाइप के लाइट्स पे था। तो चलो बिना देरी के फटाफट से इसके सील को कट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ना बिल्कुल बेसिक सा आपको यहां पे टेप का सील मिल जाएगा। तो इस टेप के सील को यहां पे जैसे आप कट करोगे तो इसको ओपन करने के बाद ना इसके अंदर हमें एक और बॉक्स देखने को मिलता है हमारे बल्ब का। इसको निकाल लेंगे बाहर और बॉक्स पूरा खाली, इसको रखते हैं साइड पे। तो ये रहा गाइस मेन हमारा प्रोडक्ट, देख सकते हो। और मैंने सोचा था थोड़ा बड़े बॉक्स पे आएगा, लेकिन यहां पे ज्यादा बड़ा बॉक्स नहीं है। यहां पे देख सकते हो RGB प्लस व्हाइट बल्ब यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे हमारा कुछ इस तरीके का बल्ब होगा, 7x1 3x1 यहाँ पे वॉट देख सकते हो लिखा हुआ है। अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा, कूल डेलाइट। साइड पे आपको इसके साइलेंट फीचर्स मिलते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, होटल, बार्स, कॉरिडोर, शॉपिंग मॉल्स, टॉयलेट, रेस्टोरेंट, म्यूजियम, गैलरीज, डेकोरेटिंग इंटीरियर, लाइटिंग एटसेट्रा। तो अलग अलग जगह पे आप इस लाइट को यूज कर सकते हो। दूसरे साइड पे आपको इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे गाइस, तो अंदर पे हमारा ना एक मेन हमारा LED बल्ब मिलेगा और कुछ भी नहीं इस पे। तो ये रहा गाइस हमारा मेन जो बल्ब है ना, एक आपको नॉर्मल 9W का 7W का LED बल्ब की तरह ये लगने वाला है। साइज मैं बोलूंगा एक रेगुलर साइज 9W का जो बल्ब होता है ना, उतना बड़ा आपको इसका साइज मिल जाएगा। और नीचे का प्लग देख सकते हो, इसके अंदर ना आपको B22 प्लग मिलता है, जो नॉर्मली हम अपने घर पे बल्ब्स लगाते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन देख लो, और ऊपर का जो प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ा मुझे चीप फील हो रहा है। यहाँ पे आपको फिनिशिंग यहाँ पे प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है। खैर छोड़ो, यहाँ पे इसको जला करके देखते हैं कि कैसे इसके अंदर आपको लाइटिंग इफेक्ट मिलता है और ब्राइटनेस कैसा आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का आप यहाँ पे प्लग यूज कर सकते हो। अब ये मैंने 20 रुपए पे लोकली परचेस किया था। हालांकि अगर आप अच्छे क्वालिटी लोगे, GM का, एंकर का, रियो का, अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, तो आपको 100 रुपए तक में अच्छा अच्छा क्वालिटी आपको मिल जाता है। तो नॉर्मली जैसे घर पे बल्ब लगाते हैं ना, उस तरीके से हमें इसको यहाँ पे इस होल्डर पे कनेक्ट करना है। अब ये होल्डर मैंने इसीलिए बना रखा है ना अलग अलग बल्ब्स को टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है। और अगर आप मेरे चैनल के बहुत पुराने व्यूवर हो ना, तो आपको पता होगा ये होल्डर मैंने क्यों बनाया था, क्योंकि मैंने ना आपको ये RGB लाइट बनाने का एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल दिया था। चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर लेना, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकती हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसे कनेक्शन कर दिया है। चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये जलता कैसे है। तो मैं यहाँ पे ना गाइस एक्सटेंशन बोर्ड को पास लेके आ चुका हूँ। तो नॉर्मली इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, और इसको आप अपने रूम के होल्डर पे लगा सकते हो, सीलिंग पे या फिर वॉल्स पे। मैं आपको यहाँ पे बस टेस्ट करने के लिए सामने दिखा रहा हूँ। चलो ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड गाइस ये ऑन हो चुका है। और इसका लाइट ना अभी वाइट कलर की तरह यहाँ पे निकल रहा है, पिंकिश वाइट की तरह। और देखते हैं कि क्या ये ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। तो ये ऑटोमेटिकली अभी चेंज नहीं कर रहा है, नॉर्मल वाइट बल्ब की तरह यहाँ पे इसका रोशनी नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर आपको कोई रिमोट नहीं मिलता है कलर चेंज करने के लिए। आपको ना अपने स्विच बोर्ड से बटन को ना बार बार प्रेस करना पड़ेगा, तब आप इसके अलग अलग मोड्स पर आ सकते हो। तो ये इसका फर्स्ट मोड हो गया वाइट बल्ब। इसको बंद करते हैं एक बार, दोबारा ऑन करूँगा। तो यहाँ पे देखो अब ये RGB मोड पे आ चुका है। अभी ऑटोमेटिकली कलर स्विच करेगा, पिंक, पर्पल, टील, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू सब पे। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका लाइट आपको मिलेगा। अब इसको दोबारा बंद करते हैं, फिर ऑन करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे आपको फेड इफेक्ट मिलेगा, रेनबो इफेक्ट की तरह। स्लोली स्लोली ये कलर को चेंज कर रहा है, और स्लोली स्लोली ये कलर पे वापस आ रहा है। फिर इसको बंद करते हैं तीसरी बार, तो यहाँ पे आप फिक्स्ड कलर आ जाएगा रेड पे। दोबारा बंद करके ऑन करेंगे, ग्रीन पे आ जाएगा। फिर बंद करके ऑन करेंगे, ब्लू पे आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे पिंक पे आ जाएगा, और यहाँ पे और एक बार करते हैं तो येलो पे आ जाएगा, और उसके बाद ये साइन कलर पे आ जाएगा, और ये वापस से वाइट कलर में आएगा। तो टोटल इसके अंदर आपको 7-in-1 अलग अलग मोड्स देखने को मिलते हैं। और ब्राइटनेस चलो आप टेस्ट करते हैं, रूम को पूरा अंधेरा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट से अपना सॉफ्ट बॉक्स को बंद कर दिया है, सीलिंग लाइट को ऑफ कर दिया है, और इसको चलो ऑन करते हैं 3, 2, 1। तो यहाँ पे देखो इसका व्हाइट लाइट कुछ इस तरीके से रोशनी क्रिएट करेगा। बोलूंगा मैं ब्राइटनेस की ना, तो नॉर्मल जो आपके घर पे 9W का बल्ब रहता है उतना तो ये आपको रोशनी नहीं देने वाला है। दूसरा यहाँ पे देखो इसका चेंजिंग मोड पे, कलर मोड पे ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट आएगा। थर्ड मोड देख सकते हो फेड वाला, ये रहा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
सेवेंथ, इस तरीके से अलग अलग आपको इस पे ना मोड्स मिलते हैं। तो गाइज इसके अंदर आपको ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं मिलता है, लेकिन अलग अलग जो मोड्स है ना वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आपको लगेगा। अब गाइज ये जो आप साइड लैंप देख रहे हो ना, ये एक एंटिक लैंप की तरह है, जिसको मैंने अमेजोन से परचेस किया था 1100-1200-1300 रुपए के अराउंड। मैंने इसके ऊपर वीडियो दे रखा है चैनल पे। तो इसके अंदर ना ये येलो लाइट लगा हुआ आता था एलईडी वाला, उसके बाद मैंने इस पे व्हाइट लाइट लगाया था क्योंकि वो फ्यूज हो गया था, और उसके बाद ना अब मैंने इसके अंदर लगा के रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला एंटिक बल्ब मैंने इसके अंदर लगा के रखा है, जो ना 5 वॉट का या 4 वॉट का आता है। तो इसके बैक साइड पे आप देख सकते हो ये सर्कुलर हेड के साथ आता है, जिसे इंग्लिश पे E27 होल्डर कहते हैं। तो इसके लिए ना आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इस पे लगाना है ना, तो आप ना एक कन्वर्टर यूज कर सकते हो, जिसके ऊपर मैंने वीडियो दे रखा है चैनल पर। ये जो भी चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर लेना। तो नॉर्मली आप इस बल्ब को इस कन्वर्टर पे लगा दो, और अब हमारा बल्ब ना इस बल्ब की तरह सर्कुलर बैक पोर्शन यहाँ पे बन गया है। तो अब मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पे इसके लाइटिंग इफेक्ट्स कैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे गाइज ये जो हमारा पुराना बेसिक येलो जल रहा था, अब ये अलग अलग कलर्स यहाँ पे स्विच कर रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये ऑटो मोड पे भी जल रहा है। तो ऑन ऑफ करके यहाँ पे देखते हैं कि इस लैंप से हमें अलग अलग मोड्स पे कैसा लाइटिंग मिलता है। तो देखो गाइज ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी मैंने इसको रेड लाइट पे जला रखा है, इसको मैं चेंज करते जाऊँगा। देखो अब ये ग्रीन पे जल रहा है, देखो ये ब्लू पे जल रहा है, देखो इसके अंदर से अब ये पिंक हो चुका है, फिर ये हमारा येलो कलर हो गया, अब ये ब्लू कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, और ये ऑटोमेटिक चेंजिंग मोड पे आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा इसका कलर प्यारा लग रहा है, और इस लैंप पे लगाने के बाद ना और भी ज़्यादा ना एस्थेटिक ये बल्ब लुक दे रहा है, और आपके रूम के मूड को पूरा चेंज कर देने वाला एम्बियंस बहुत ही मस्त मिल जाएगा। सो है ना गाइज, ये 7-in-1 RGB बल्ब एक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव प्रोडक्ट। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो इसके बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक बटन को ठोक डालना, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए गैजेट की वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।